जिंदगी में कभी कभी बुरा वक्त आना भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कौन आपका साथ देगा और कौन नहीं। इस बात का यकीन रखें, जिन्होंने आपको बेसुकूनियाँ दी हैं वो सुकून में रहने की जितनी भी अदाकारी कर ले, लेकिन वो कभी भी सुकून में नहीं रह सकता। एक्सीचम डिजिटल में आपका स्वागत है। हमें तो सुख में साथी चाहिए, दुख में तो हमारी माँ अकेली ही काफी है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। हम दुनिया की चकाचौंध में खोए हुए हैं और वक्त चुपचाप हमारी कब्र खोद रहा है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस वक्त वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों को घर पर मिलता है उतना अमीरों को घर पर नहीं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। आज इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उसे निपटना नहीं आता। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम फिर जल्द आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।